तो फ्रेंड ये सैमसंग A3S है और इसमें ट्रेस करके मालूम चला है कि इसकी जो पावर IC है वो वीक हो चुकी है और उस कारण ये सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसमें दूसरी पावर IC लगा रहे हैं और आपको भी जानना चाहते हैं कि पावर IC कैसे ख़राब होती है। अगर आपको चेक करना है बोल्ट सही बना रही है, आउटपुट बोल्ट बना रही है हर जगह, ऐसा आप एक दो जगह देखें बोल्ट बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सब जगह बनाएगा वो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो फिलहाल हम पावर IC लगा रहे हैं आपके सामने लाइव और ये कोई कटिंग वीडियो नहीं होगी, तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, चलिए आपके सामने ये देखते हैं कि क्या रिजल्ट है इसमें। बहुत टेम्परेचर का बहुत ध्यान देना पड़ता है, SMD भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और नहीं तो आपका बोर्ड फूल जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब में देखा आपने सीधे IC उठा के दूसरे में लगाने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, बोर्ड फूल जाता है। तो टेम्परेचर का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, कौन सी मशीन आपको यूज करनी चाहिए प्रोफेशनल, ये सारी जानकारी होना चाहिए तब जाके आपको बोर्ड में काम करना है, नहीं तो क्या होगा सेट बर्बाद हो जाएगा। इन चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिए। तो ये IC हमारी लगने वाली है जस्ट, चलिए ये IC खिसक चुकी है, चेक कर लेते हैं एक बार डांस करा के। ठीक है, हमने डांस करा दिया इसको, अब ठंडा होने देते हैं इसको और पंखा चालू करते हैं। बोर्ड जो है छोड़ दीजिए, अब देखते हैं थोड़ी ठंडा होने देते हैं इसको। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल काम तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो अगर आप हमसे अपडेट होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं लिटिल गफ्फार मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोएडा। बोर्ड थोड़ी हिलता है ये देख लीजिए, थोड़ी ठंडा होगा या कूल होगा मगर बोर्ड जो है उठाना, इसका फोल्डर, इसका फोल्डर वगैरह उठाना, तो ठंडा होने देते हैं, थोड़ी ठंडा होने में टाइम लगेगा। चलिए यहाँ रख दीजिए, तो अब हम चेक करेंगे इसको, अभी फ़िलहाल गर्म है बोर्ड काफ़ी, अभी बहुत गर्म है ये, तो ठंडा होगा कम से कम 2-4-5 मिनट ले लेगा। नहीं नहीं वो कटिंग वीडियो जाती है ना, कटिंग वीडियो नहीं बनाते ना, नहीं वो कटिंग अलग ही समझ में आती, कटिंग नहीं करते ना हम लोग, रोक कटिंग होगी नहीं समझे आप, ये वीडियो अगर हमने रोक दिया दोबारा तो फिर वो कटिंग वीडियो कहला जाती है, उसका फिर कोई यूज नहीं होता हमारे पास। तो ये हम कटिंग वीडियो नहीं बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं एक बार में ही बनाते हैं, टाइम भले लगेगा, जो भाई सीखना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, मगर हम कटिंग वीडियो कोशिश करते हैं कि ना बने, एक ही वीडियो में बने ताकि इससे उनको लगता है ना, अगर कटिंग भी हो गई कि ये IC लगा दिया इन्हें सक्सेस हुआ नहीं हुआ, देखने एक बार ये तो देख लो फिर। ठीक है देखते हैं, आप 2 मिनट इंतजार करिए थोड़ी, 2 महीने 2 मिनट। चलिए पीयूष दिखाओ भाई, बोर्ड नहीं हटना चाहिए बेटा, ठीक है ना, हिलाना मत इधर उधर, बनाने का वीडियो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। पहले एक बार हम ट्रेस, इसको ट्रेसिंग भी कर लेते हैं कहीं शॉर्ट आउट तो नहीं है, फिर कई बार IC लगाने में शॉर्ट हो जाते हैं, IC अच्छी नहीं हुई तो फिर आपका पैड जल जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान देना है पहले ट्रेसिंग करना है। सबसे लास्ट वाला छठा नंबर, इधर इधर देखो, इधर उधर तीन नंबर जा रहा। ठीक है 2 मिनट भैया इंतजार करिए, 2 मिनट रुक जाइए ना, थोड़ी टाइम दीजिए, अभी 2-4 महीने से आप लगा के छोड़ से छोड़ दिए। चलो तुम करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ना, तो हमने ट्रेसिंग कर लिया, कोई शॉर्टिंग नहीं है फिलहाल, और इसको देखेंगे चार्जर लगाते हैं क्या हुआ, चार्जर लगाने में समझ में आ जाएगा कि ये सेट ऑन हुआ है नहीं हुआ, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बैटरी हमने लगा दिया फिलहाल, देखते हैं कि ऑन हुआ है नहीं हुआ है,
ठीक है। तो बैटरी भी इसकी डिस्चार्ज है, कितनी बैटरी डिस्चार्ज है इसकी? डिस्चार्ज ही थी वैसे तो ये। चलो तो इसको देखते हैं लगा क्या हुआ, इसका हाल क्या है। तो फ्रेंड देखिए आपके सामने लाइव है और ये कोई कटिंग वीडियो नहीं हुई है और अभी ये बैटरी डिस्चार्ज है और आपके सामने लाइव पावर आईसी लगाई गई है और ट्रेसिंग के बाद लगाई गई, ऐसा नहीं कि उठाया गया सीधे पावर आईसी लगा दिया, हमने ट्रेसिंग के बाद हमने ये लगाया है। अब ये देखिए ठीक है, ये अब चालू हो चुका है सेट आपका। ओके अब हम इसको चालू करते हैं, देखिए 98% है ये। अब आपके सामने ही हम, आप देख लीजिए, अगर आप ऐसा काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताई जाएगी कि पावर आईसी सही है या ख़राब है, उसकी इनपुट वोल्ट आउट वोल्ट ये सारी चीज़ें आपको जानकारी दी जाएगी, तब जाके आपको पावर आईसी में काम करना है। फ़िलहाल ये ऑन हो चुका है, तो जो भाई सीखना चाहता है वो हमसे संपर्क करे और इस लाइन में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है सेक्शन वाइज सेक्शन। और जो भाई कहते हैं ना ट्रेसिंग में दिक्कत होती है, जो ट्रेसिंग का क्या मैटर होता है, जब सेक्शन सारे आप पढ़ लोगे तो आपको ट्रेसिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सेक्शन में क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, और उसके प्रोटोकॉल क्या होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। कई भाई हमारे चार्जिंग बनाते हैं और बैटरी कनेक्टर देखते रह जाते हैं कि भाई ये 4.2 क्यों नहीं बन रहा, 4 वोल्ट पावर क्यों नहीं बन रहा। भाई उसके प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा आपको, PMI के समझना पड़ेगा, BQ के समझना पड़ेगा। तो जब आप समझोगे प्रोटोकॉल तभी ये काम हो पाएगा, अन्यथा आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये सेट हमारा भी फिलहाल ऑन होने वाला है, पूरा ऑन करके आपको दिखाया जाएगा, पूरा टच अप चला के दिखाया जाएगा। कैमरा तो खैर नहीं लगे हैं, देखिए फिलहाल अब ये फिलहाल ऑन हो रहा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए टच भी चल रहा है, थोड़ी अभी चालू हुआ है इसलिए थोड़ी धीमा है, पुनः चालू करें लीजिए। ये है, हाँ ये नहीं है क्या, ये टच इसका वो दिखाई नहीं देगा ना, देखते हैं थोड़ी धीमा चल रहा है अभी। ये देखिए ये आप देख लीजिए पूरी टच आपकी चल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भाइयों का, और जो भाई ज्वाइन कर सकता है हमें कॉल कर सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड अगर आप सीखना चाहते हैं डेट सेट कैसे बनाना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा लिटिल का फॉर्म वाइट इंस्टीट्यूट, और अगर आपको बोटिंग का सिक्वेंस मालूम है, अगर आप जानते हैं या कहीं से आप अपडेट अगर नहीं हुए हैं तो आपको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना लॉस कर रहे हैं हर महीने। अगर आपने अपडेट हो गए तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।